हाँ जी, तो लास्ट सेक्शन देखिए इस चैप्टर का, परम्यूटेशन का, जो कि है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है कि जब आपको एन ऑब्जेक्ट्स को, एन पर्सन या एन ऑब्जेक्ट्स को राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करने के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज पूछता है, तो हमें क्या यूज करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है कि अगर आपको एन चीजों को सर्कुलर में अरेंज करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो सिंपल फॉर्मूला को याद रखना है, जब आपकी चीजें क्या हो, परम्यूटेशन किसमें पूछे, सर्कुलर में पूछे, ठीक है, कि सर्कुलर में अरेंज करने के एन चीजों कितने वेज होते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब आगे बोल रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। देखिए मतलब कि अगर आपने एन चीजों को अरेंज कर दिया है सर्कुलर में, ठीक है, अब तीन बच्चे हैं जैसे, ठीक है, तो मैंने ऐसे अरेंज कर रखा है, यहाँ पे रीना, यहाँ पे नेहा और यहाँ पर प्रिया, और एक मैंने कर दिया यहाँ पे रीना, यहाँ पर प्रिया, यहाँ पे नेहा और यहाँ पर प्रिया। यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, अलग अलग परम्यूटेशन है, तुमने साफ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे काउंट करूं क्लॉकवाइज, तो ये क्या बन रहा है, आर एन पी, और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ो तो कैसे पढ़ रहा है, ये आर पी एन। तो ये दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि लड़कियां तो अलग अलग है ना, चेंज है। तो यहाँ पर तो क्या फॉर्मूला लगेगा इन तीन लड़कियों को इधर अरेंज करने का, भाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन अगर चीजें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मुझे माला बनानी है पांच मोतियों की, ठीक है, अब मैं इन पांच मोतियों को ऐसे अरेंज करूं, मतलब कोई ऐसे बोल रहा है यूं मोती ले लो या यूं मोती ले लो, मोती थोड़ा कोई डिफरेंशिएट है, कोई अलग चीज है, सेम ही परम्यूटेशंस रहेंगी। तो उसके लिए जब चीजों की एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करने पे सेम ही चीज रहती है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू। मतलब जब आपके बीट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे कि कोई अपने माला बनानी है सर्कुलर में पांच मोती के, दस मोतियों के, तो उसके कितने वेज हैं, तो आप पहले तो एन माइनस वन फैक्टोरियल कर देंगे और डिवाइड बाय टू भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीट्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या रह जाएगा, कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मुलेज हैं। उसके बाद अब हमें करना है इन हाउ मेनी, अब ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस एक मिनट, आप पहले इसकी एक्सरसाइज में करा देते हैं, एग्जांपल आप खुद ट्राई करना है इसके, ठीक है। देखिए तो एक्सरसाइज 4.6 देखिए फटाफट क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन अ लाइन। 8 स्टूडेंट्स को देखो लाइन में अरेंज करने के क्या तरीके हैं, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं 8p8, क्योंकि लाइन में कितनी प्लेसेस हैं, 8, और बंदे भी कितने, 8, तो कितने वेज हो जाएंगे, 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा सॉल्व करके, 40320। फिर अगले ही पार्ट में बोल रहे हैं कि उनको सर्कल में अरेंज करने की क्या तरीके, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एन माइनस वन मतलब कि 8 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा 5040, ठीक है। कुछ भी नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में देखिए, द 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस अ रिपोर्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड अराउंड अराउंड अ राउंड टेबल सो दैट द एजुकेशन एंड द रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर। अब देखो 11 कैंडिडेट्स हैं, उनको सर्कुलर में बिठाना, तो 11 कैंडिडेट्स हैं, तो मैंने 11 डॉट्स लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बंदों को इस राउंड टेबल पे अरेंज करने का मुझे तरीका पता था। अगर एन 11 लूंगी तो वेज कितने हैं राउंड टेबल पे बिठाने के, 11 माइनस 1 फैक्टोरियल। बट उसने बोला कि दो मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन और रिवेन्यू, उनको हमेशा इकट्ठे बिठाना है, तो एजुकेशन और रिवेन्यू इकट्ठे बिठाना, तो उसको एक यूनिट मान लीजिए। अब अगर उनको एक यूनिट मान लिया तो अब कितने रह गए, 1, इसको तो एक यूनिट से करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब इस राउंड टेबल पे एक तरह से आपको 10 लोगों को बिठाना है, तो कितने वेज हो जाएंगे करने के, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल। और फिर मल्टीप्लाई में ये दो ब्लॉक में, जो ब्लॉक में दो है एजुकेशन और रिवेन्यू, वो आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना सीट, उनको बस इकट्ठे बैठना है, ऐसे बैठे चाहे ऐसे बैठे, तो इनको अरेंज करने के दो बंदों को दो सीट्स पे कितना तरीका है, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 725760, ठीक है। सिमिलरली सी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट अराउंड अ टेबल, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड इफ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट टू सिट टुगेदर। इस बार बस नॉट बोल रहा है, तो नॉट वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, पहले टोटल वेज निकाल दो सबको काउंट करके, और फिर उसमें से वो वेज माइनस कर दो जिसमें वो हमेशा सिट टुगेदर है, मतलब हमेशा इकट्ठे बैठते हैं ना, तो आपके पास कौन से केसेस आ जाएंगे, वो केसेस जिसमें ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। आपके पास देखो पहली बात तो कितने हैं, 8 है ना बंदे, 8 बंदों को, 8 प्राइम मिनिस्टर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदों को इस राउंड टेबल पर बिठाने के टोटल वेज कितने हैं, n 8 है, तो कितने वेज हो जाएंगे, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल।
टोटल वेज है इन 8 प्राइम मिनिस्टर को बिठाने के, लेकिन अब जिसमें से इंडियन और पाकिस्तान को हमेशा इकट्ठे बिठाऊं वो कितने वेज हो जाएंगे, उनको एक यूनिट मान लो तो कितने रह जाएंगे, 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, इन 7 बंदों को राउंड टेबल पे बिठाने के तरीके कितने हैं, 7 - 1 factorial मतलब 6 factorial, और इनटू में इन 2 प्राइम मिनिस्टर्स को जो इकट्ठे बैठ रहे हैं उनको आपस में कितने वेज इंटरचेंज कर सकते हो, 2 factorial, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे जिसमें ये दोनों प्राइम मिनिस्टर हमेशा इकट्ठे बैठे, वो है 1440। तो अब वो वेज जिसमें इंडियन और पाकिस्तान वाला प्राइम मिनिस्टर कभी भी इकट्ठे ना बैठे वो क्या आएंगे, टोटल जो आपने निकाले हैं उसमें से वो केस माइनस कर दो जब वो हमेशा इकट्ठे बैठते हैं, तो आपके पास कौन से केसेस बच जाएंगे, वो केसेस जिसमें वो कभी भी इकट्ठे ना बैठे। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए हैं तो इनको याद भी रखना इन टाइप्स को कैसे कैसे करने हैं। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोल रहा है, देयर आर 3 black, 4 blue and 5 red pens सॉरी रेड बोल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन अ रो अराउंड अ सर्कल। देखो सिंपल सी बात है, 3 black है, 4 blue है, 5 red है, तो जो 5 red है या 3 blue है सब क्या आइडेंटिकल्स हो गए ना, तो इनको जब आपने लाइन में लगाना होगा तो एंड कितना है, टोटल कितनी बोल्स होगी आपके पास, 12, तो इन 12 बोल्स को लाइन में अरेंज करने का तरीका क्या है, 12 factorial, क्योंकि लाइन में क्या होता है जितना एंड है उतना ही फैक्टोरियल आएगा, तो 12 चीजों को लाइन में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 12 factorial, और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रेड बोल्स कितनी है 5 और ब्लैक कितनी है 3 और ब्लू कितनी है 4, तो आपकी रेड पोल्स 5 है तो ये 5 रिपीट होगी ना, तो मैंने कहा था जब चीज़ आइडेंटिकल हो सेम हो तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो टोटल जो n 12 है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे 3 factorial, 4 factorial और 5 factorial से। ठीक है, अगले मैं बोल रहा कि जब उनको राउंड टेबल के, अगर राउंड टेबल में इन 12 चीजों को अरेंज करना है तो क्या फॉर्मूला है राउंड टेबल में इनको अरेंज करने का, 12 - 1 मतलब 11 factorial, और डिवाइड तो फिर से करना पड़ेगा क्योंकि जब भी रिपीटेशन होगी चीजों की तो आपको डिवाइड करना ही करना है, तो डिवाइड किससे करना है 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial से, क्योंकि चीजें क्या हुई है रिपीट हुई है, तो सर्कुलर में क्या आ जाएगा, बस एक कम होके n - 1 factorial और लीनियर में उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना। सिमिलरली सी फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो सेम ऐसा ही है, इफ हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन ABCDE सिट टुगेदर अराउंड अ टेबल इफ BND सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब हमेशा BOD क्या रहे एक साथ रहे और अगले में बोल रहे हैं कि AOD कभी भी साथ ना रहे, तो हमने ऐसे क्वेश्चन करा ना सेकंड और थर्ड, तो ये आप खुद करेंगे, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और लास्ट में देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 different beads कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस वाले क्वेश्चन मैंने को बताया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला फॉर्मला लगेगा, तो मतलब कि कितनी बीड्स है टोटल 8, तो क्या फॉर्मला बन जाएगा 8 - 1 factorial मतलब 7 factorial, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो कितने केसेस आ जाएंगे 2520। तो इसी के साथ आपकी 4.6 भी डन हो गई है, तो बाकी जो एग्जांपल्स आप हैंड रिटन सब कुछ करके देखेंगे, जो नहीं आ रहा आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कोर्स एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, और जो एक्सरसाइज जैसे 4.5 है इसके मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो आप परफॉर्म करते रहिए सारी चीजें, जो नहीं आ रहा पूछते जाइए। थैंक यू।